चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ आज से चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में, कैसे देखते हैं उस चैलेंज? कोई चैलेंज नहीं है, इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है, हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन हैं। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो MLA भी रह लिए, डिप्टी CM भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए, इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे, उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी CM क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम नहीं, काम चल रहा क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है BJP, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर अश्वनी चौबे ने उन्हें थिएटर शब्द का प्रयोग किया, थिएटरलॉजी बताया है। अरे ऐसे लोग, ये लोग तो बिहार की जनता को नहीं छोड़े, एम्स में मत घुसने देंगे बिहार के लोगों को, दिल्ली के एम्स में, याद होगा आप लोगों को। तो जब बिहार की जनता को जिन्होंने इनको पहुंचाया पार्लियामेंट, उनको ये नहीं पूछते तो अपने विरोधियों को कहाँ से पूछो? LJP ने लगातार कहा है, चिराग जी ने कहा है, वो BJP के साथ है, वो BJP के पार्टनर है, वो BJP के पार्टनर है भैया, उसमें कहाँ कोई बात आई है? अरे ऐसे लोग, ये लोग तो बिहार की जनता को नहीं छोड़े, एम्स में मत घुसने देंगे बिहार के लोगों को, दिल्ली के एम्स में, याद होगा आप लोगों को। तो जब बिहार की जनता को जिन्होंने इनको पहुंचाया पार्लियामेंट, उनको ये नहीं पूछते तो अपने विरोधियों को कहाँ से पूछो? LJP ने लगातार कहा है, चिराग जी ने कहा है, वो BJP के साथ है, वो BJP के पार्टनर है, वो BJP के पार्टनर है भैया, उसमें कहाँ कोई बात आई है?